ऐसे ही और एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। दोस्तों आज आपके प्यार की वजह से मैं वापस कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने पूरा मानस बना लिया था कि मैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर के अब कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन कम्युनिटी पे जो पोस्ट पे आप लोगों ने जो प्यार दिया मुझे, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना ट्रस्ट करते हो और मेरी वजह से आपको कुछ प्रॉफिट भी हुआ है और आपको एक जो ऑथेंटिक जो न्यूज़ आज तक दी है उस पर आपको इतना विश्वास है। दोस्तों वैसे मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि आपको कभी भी कोई भी चीज़ है मैं गलत नहीं बताऊं, और आज आप खुद देख लीजिए इस चीज को कि आपको स्टार्टिंग से लेकर के मैं अपनी बात पे बना हुआ था एनटीपीसी को लेकर के, ये पहले होगी तो इसके बारे में मैं कुछ बात करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों एक और गुजारिश करूंगा मैं आपसे, अगर आपने पहले भी अगर कंटिन्यू पूरा नहीं देखा हो, लेकिन आज मैं आपको बता दूं इस वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि मैं उन लोगों के बारे में बात करने वाला हूं जो अपने माँ बाप के सपनों को लेकर के यहां पर तड़प रहे हैं एक एक पल के लिए कि यार ये एग्जाम हो जाए ना, तो मेरी माँ मेरे पापा उनके सपने हैं, उनको एक रूप दे सकूँ, एक मूर्त रूप दे सकूँ। तो उनके लिए मैंने कुछ लिखा है आपके लिए, आप लास्ट तक एक बार कुछ सुनिएगा कि शायद आप भी अंदर से अगर आत्मा आपकी कुछ कहे कि हाँ यार सर सही कह रहे हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि कल 14 तारीख को रेलवे बोर्ड द्वारा एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। उसमें क्लियरली बताया गया है कि जो जून से सेप्टेम्बर के बीच में इसका शेड्यूल था उसे निरस्त कर दिया गया है। जो को आपको पता है कि सितंबर जा चुका है तो वो तो शेड्यूल निरस्त होना ही था, तो इसे आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो मतलब उन्होंने ये बात की किसकी, एनटीपीसी को लेकर के उन्होंने बात की। तो अब इसमें जैसे मैं आपको नोटिफिकेशन शो करूंगा तो आप बोलेंगे सर इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि एनटीपीसी पहले होगा, तो दोस्तों मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर रहा हूं उसको समझिएगा, क्योंकि मैं आपको न्यूज रीडर नहीं हूं कि आपको सिर्फ न्यूज सुना दूं। वो तो आपने कई दफे या फिर कई बार सुबह से लेकर सुन लिया होगा, इसीलिए वे वीडियो मैंने कल नहीं बनाया था कि आपको जिससे ट्रस्ट हो जाए कि जो भी बात मैं आपको बताऊं, मेरा काम है हर एक चीज़ को एनालाइज करना। एनालिसिस करने के बाद में आप चीज़ को बताना कि क्या चीज़ सच और क्या चीज़ झूठ है, इसीलिए तो शायद कई लोगों को मैं चुपता हूँ। तो देखिए ये जो नोटिस डाला है इसका मतलब क्या होगा कि एनटीपीसी की एग्जाम पहले होनी थी उसी को अभी पोस्टपोन क्यों बताया गया है, उसका रीज़न सुनिएगा। क्योंकि इन्होंने यहाँ क्लियर नहीं किया, लेकिन पहले इन्होंने ये क्लियर किया था जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अभी तक इसका वेंडर फिक्स नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों वेंडर फिक्स होने में मतलब उनका महीने भर का टाइम लगेगा। इस शेड्यूल के बाद में आपकी जो एग्जाम होगी ना, मतलब नवंबर 15 नवंबर से पहले तो आप मान के मत चलिए, लेकिन मैं ये कहूंगा अगर नवंबर में होगी तो लास्ट एंड में, लेकिन नवंबर में आपका इसका मैं बता दूं एग्जाम को लेकर आप असमंजस में ना हो, इसका नवंबर में आपको एप्लीकेशन स्टेटस मिल जाएगा जहां तक पॉसिबिलिटी रहेगी, और दिसंबर में ये मिड तक ये आपकी एग्जाम स्टार्ट होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। बाय चांस अगर कुछ वेंडर में डिले होता इस वजह से थोड़ी आगे भले ही बढ़ सकती है, लेकिन आपकी एनटीपीसी एग्जाम ही पहले होगी। मैं ग्रुप डी वाले भाइयों से निवेदन करूंगा, जो भी मेरे भाई बहन है अगर आप ग्रुप डी वाले ये सोच रहे, आपको जैसे किसी ने भी बताया है या आप अगर ये सोच के चल रहे कि ग्रुप डी पहले होगी, देखिए अगर ऐसा होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग में अभी भी आपको यही कह रहा हूं कि ग्रुप डी में अभी टाइम लगेगा, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि फेब से पहले नहीं होगी। फिर भी देखिए ये बोर्ड है, अगर ऐसा कुछ भी होता है उथल फुथल तो मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ जरूर दूंगा, लेकिन मैं आपको कहोगे कि सर आप दोनों बात बोल रहे हो, नहीं मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि एनटीपीसी पहले होगा। ठीक है अभी उसका नवंबर तक एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा, हो सकता है पहले भी आ जाए, लेकिन अभी दीपावली तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। इसका ये आने के बाद में आपका एप्लीकेशन स्टेटस आने के बाद की एग्जाम होगी। आप लोग इस चीज़ में बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए कि यार पता नहीं रेलवे कब एग्जाम कराएगा, इसका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, निजीकरण हो चुका है, तो हमें लॉस हो गई। ये सर आगे की बात है दोस्तों, अभी अपना काम क्या है, जो माँ बाप के सपने हैं ना, साल भर से हम जिस सपनों को लेकर के उन्हें पूरा करने के लिए यहाँ आए हुए ना, जो अपने अपने घरों को छोड़ करके बाहर बैठे हैं, रूम लेकर के स्टडी कर रहे हैं, कई लोग लड़कियाँ कैसे भी करके मुसीबतों का सामना करके दुनिया लोगों की बातें सुन करके अपने घर वाले उनके घर वाले भी इतनी बातें सुनते हैं, लेकिन वो एक ही सोचते कि एक बार एग्जाम हो जाए मैं सबका मुँह बंद कर दूंगी या कर दूंगा। तो उन लोगों के लिए बातें हैं, आप डीमोटिवेट मत होइए, अपने आप पर विश्वास रखिए। देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको, अपनी लाइफ में अपना सबसे बड़ा गुरु जो होता है ना हम खुद होते हैं। पता है माँ बाप अपन को जन्म देते हैं, वो अपन को बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन हर जगह माँ बाप अपने आगे पीछे नहीं रह सकते। अपना जो भी सलाहकार, अपना जो भी अच्छा चाहने वाला हर जगह अपने साथ नहीं जा सकते, अपने साथ सिर्फ हम ही होते हैं। आपकी आत्मा अंतरात्मा अगर जो सच बोलती है वो सही होता है, जो अगर आपको मना करती है वो गलत होता है। आपका सबसे बड़ा गुरु, आपका सबसे बड़ा जो हित चाहने वाला होता है ना, वो आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो अपने आप को पहचानिए, आप खुद से पूछिए कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या कर रहे हो।
आपको जितना टाइम स्टडी को देना चाहिए कि आप दे पा रहे हो, क्या आपको जो करना चाहिए था क्या आपको उस चीज़ के लिए 100% उस चीज़ के लिए डेडिकेशन है आपका, उन चीज़ों को लेकर के देखिए कि माँ बाप के सपने बहुत होते हैं। आपको वो कहते नहीं, बस इतना पूछते बेटा एग्ज़ाम कब है, बेटा पेपर कैसा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि वो ये सोच रहे हैं कि आप पे कितने पैसे लगाए थे आपके, तो आप उनके पैसे ख़राब तो नहीं करोगे। वो पैसों की कभी टेंशन नहीं करते। अगर यही सोचते ना तो वो आपको जन्म ही नहीं देते। जन्म देकर के आपको इतना पाल पोस कितना बड़ा नहीं करते। तो उनकी बातों के लिए यही चीज़ में आज डीमोटिवेट होकर के मैं भी बैठा था, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आपकी तरह सोचता हूँ। अगर मैं बड़ा होकर के सोचूंगा ना तो मैं कभी आपसे जुड़ करके नहीं चलूँगा। इसलिए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी एक माँ के लिए, जो अपन हताश होकर के अक्सर बैठ जाया करते हैं, जो कुछ सोचते रहते लेकिन किसी से कह नहीं सकते। अगर आपको वो पसंद आया ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप ही के लिए वो लाइनें लिखी थी, एक बार गौर से सुनिएगा आपको कैसा लगे हो। अपनी माँ को, अपने पापा को, उनको याद करके इस लाइनों को सुनिएगा, जो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे वो आपके साथ हैं, चाहे आपसे दूर हैं, कहीं पर भी हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, उन लाइनों को सुनिएगा, मैंने खुद ने लिखी हैं आप लोगों के लिए। देखिए, आप कई बार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं कि मुझे नहीं करना, जैसा आज मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन आप मेरे लिए एक फरिश्ता बन के आए, सभी के सभी लोग। तो उनके लिए कुछ लाइनें मैं पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि मैंने लिख करके यहाँ टाइप किया था लैपी में, तो मैं आपको सुनाता हूँ। आसानी से टूट जाऊँ वो इंसान थोड़ी हूँ, सुनिएगा। आसानी से टूट जाऊँ वो इंसान थोड़ी हूँ, सबको पसंद आ जाऊँ वो भगवान थोड़ी हूँ। अगर इंसान में सबको पसंद आ जाता ना, जैसे मेरी काफ़ी बुराइयाँ भी की गई आज, तो इसलिए मैं डिमोटिवेट हो गया था, तो यार खुश तो लोग भगवान से ही नहीं है, मैं तो इंसान हूँ ना। इसलिए सुनिएगा, आसानी से टूट जाऊँ वो इंसान थोड़ी हूँ, सबको पसंद आ जाऊँ तो भगवान थोड़ी हूँ। किस्मत से बिन लड़े ही हार जाऊँ, किस्मत से बिन लड़े ही हार जाऊँ, इतना कमज़ोर थोड़ी हूँ। आगे सुनिएगा, जॉब तो पानी है एक दिन, जिस जॉब जिस नौकरी के लिए आप तरस रहे हो, जॉब तो पानी है एक दिन, पर आंसू बनकर बह जाऊं वो पानी थोड़ी हूं। आप वो पानी हो, क्योंकि आपको पता है ना, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। एक पानी का मतलब यहाँ इज्जत से भी होता है, एक पानी का मतलब जो आटा लगाते हैं उससे भी होता है, मोती मानस चून, और एक होता है कि चमक से, जो एक हीरे में होती है ना, एक मोती में जो चमक होती है ना, आपको वो चमक बनना है, तो उसका ध्यान रखिएगा। जॉब तो पानी है एक दिन, पर आंसू बनकर बह जाऊँ वो पानी थोड़ी हूँ। आंखें तो छलक जाती है अक्सर, आंखें तो छलक जाती है अक्सर, यूं ही मेरी माँ की आंखों में, आंखें तो छलक जाती है अक्सर, यूं ही मेरी माँ की आंखों में, मुझे अफसर बनने का सपना देखकर, पर उस माँ का इतना सा ख्वाब पूरा ना कर पाऊँ, पर उस माँ का इतना सा ख्वाब पूरा ना कर पाऊँ वो गुनहगार थोड़ी हूँ। एक दिन लौट कर आऊँगा ये ज़िंदगी, जब भी हार मानो ना तो उस ज़िंदगी से आप कह सकते हो, एक दिन लौट कर आऊँगा ये ज़िंदगी, तुझे तेरे दिए सितमों का हिसाब देने। एक दिन लौट कर आऊँगा ये ज़िंदगी, तुझे तेरे दिए हुए सितमों का हिसाब देने। हारा जरूर हूँ पर अभी टूटा थोड़ी हूँ, अभी हारा जरूर हूँ लेकिन अभी टूटा थोड़ी हूँ। शायद कमी रही होगी मेरी ही मेहनत में माँ। कई बार माँ बाप पूछते ना, बेटा क्या हुआ, तो एक माँ से कहते हुए ये शब्द है, शायद कमी रही होगी मेरी ही मेहनत में माँ, वरना तेरे होते हार जाऊँ। जब तक माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है ना, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। शायद कमी रही होगी मेरी ही मेहनत में मेरी माँ, वरना तेरे होते हार जाऊँ, ऐसा बदनसीब थोड़ी हूँ। सबसे बड़े खुश नसीब वही होते हैं जिनके साथ माँ बाप हैं, तो इतना बदनसीब नहीं हूँ कि मैं हार जाऊँ। लास्ट की जो पंक्तियाँ हैं वो सुनिएगा ज़रूर, शायद आपके अंदर जोश भर देगी, ठीक है। बदलूँगा एक दिन खुद ही इस किस्मत को। देखिए, अपनी किस्मत को सिर्फ हम बदल सकते हैं, वरना अगर हम नहीं बदले ना तो किस्मत हमको बदल करके रख देगी। तो ध्यान से सुनिएगा, बदलूँगा एक दिन खुद ही इस किस्मत को, अभी तो लड़ रहा हूँ मैं, हारा थोड़ी हूँ। लड़ना और हारना दोनों में फ़र्क होता है। अगर हार गए तो आप हार के बैठ जाओगे, लेकिन लड़ रहे हो ना तो पता नहीं एक पल के लिए कब पासा पलट जाओ और कब आप जीत जाओ। तो सुनिएगा फिर से, बदलूँगा एक दिन खुद ही इस किस्मत को, अभी तो लड़ रहा हूँ मैं, हारा थोड़ी हूँ। जॉब तो लगना ही है एक दिन। लास्ट की लाइनें जोर लगा के मैं, जितना भी मेरी तरफ से होगा, लेकिन आप अंदर से गौर से सुनिएगा इस चीज़ को। जॉब तो लगना ही है एक दिन, तेरे बुढ़ापे का सहारा भी ना बन पाऊँ। अपने माँ बाप के लिए तो सब कुछ कर रहे हो ना यार। जॉब तो लगना ही है एक दिन, तेरे बुढ़ापे का सहारा भी ना बन पाऊँ। ए माँ, मैं इतना नकारा थोड़ी हूँ, मैं इतना नकारा थोड़ी हूँ, आसानी से टूट जाऊँ वो इंसान थोड़ी हूँ, सबको पसंद आ जाऊँ मैं भगवान थोड़ी हूँ।
ठीक है दोस्तों, बस मेरी ये लाइनें थी। अगर आपको ये लगा हो कि आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकते हो, अपने मनोबल को बिल्कुल मत गिरने देना। अगर आपको लगे कि उमेश शर्मा थोड़ा सा भी आपके लाइफ में, थोड़ा सा भी आपके, अगर आप डीमोटिवेट हो रहे थे, आपको आगे बढ़ाने में हुआ, थोड़ा सा भी अगर सहायक हुआ हो ना, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये लाइनें कैसी लगी, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक है। अगर आपको अच्छा लगेगा मैं ऐसे आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेके आता रहूँगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, मैंने कभी मुझे अपने आप को प्रूफ नहीं करना, मेरा प्रूफ सबसे बड़ा आप हो। इस वीडियो को प्लीज़ इतना फैला देना कि हर माँ का जो बेटा है ना, हर माँ की सब आँखों में जो सपना होता है ना, उस बेटे तक पहुँच सके कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप मुझसे क्या सपने देखते हैं। अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना। आपसे इतना ही कहूँगा, ये मत सोचना कि इससे मुझे फ़ायदा होगा, ये सोचना कि एक माँ का सपना पूरा होगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, आप कितने प्यार और स्नेह के लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ऐसे ही और एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।